हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मैन 11:11 में। तो आज के वीडियो में मुझे आपके साथ शेयर करना है एक ड्रीम जो मुझे चैनल करवाया गया है डिवाइन की तरफ से, जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। और अभी करंटली अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो बिल्कुल उसी तरह से मुझे वो दिखाया गया है। इसके बाद मैं मैस्कुलिन की एनर्जी भी रीड करूँगी। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो ड्रीम को मैं बताऊंगी, शॉर्ट में बताऊंगी, आप देखना। आप कुछ ना कुछ तो आपके साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए ड्रीम चैनल मैसेज होते हैं, जो भी डाउनलोड्स ये होते हैं तो कलेक्टिव के लिए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो मुझे ड्रीम में एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन एनर्जी का यूनियन दिखा, ठीक है। दोनों एक रूम में थे जो बहुत रोमांटिक जगह थी, मतलब दरवाज़ा बंद था और दोनों अपनी प्राइवेसी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो मैस्कुलाइन थे वो बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं था कि वो किसी सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे थे या किसी, होता है ना कि एनर्जी लेने के लिए आए थे, बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो आए थे सिर्फ अपने फेमिनाइन के लिए, लेकिन फेमिनाइन जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने ही यूनियन को एंजॉय नहीं कर पा रही थी, मुझे ऐसा भी दिखाई दिया। क्योंकि जब वो दोनों अंदर थे तो वो उनसे पूछती है कि सुनो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे लाइफ में मेरे सिवाय और कौन था, थर्ड पार्टी के सिवाय और कितने लड़कियों के साथ तुम्हारा चक्कर था। तो मस्कुलाइन का चेहरा मतलब बिल्कुल उतर जाता है और वो मतलब बोलते नहीं, वो कुछ वो बोलते ही कि ऐसा कुछ नहीं था, जो थर्ड पार्टी थी वही थी, अब वो मेरे लाइफ में नहीं है। तो लेकिन फेमिनिन बार बार उनको फोर्स करती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो तुम्हारे लाइफ में थी तो उसके पहले भी कोई होगा या फिर मेरे आने से पहले भी कोई होगा। तो फिर मैस्कुलिन को गुस्सा आ जाता है और वो बोल देते हैं कि मेरे लाइफ में हाँ कोई था तुम्हारे सिवा भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस गुस्से में बोल देते हैं। और इसके बाद फेमिनिन की एनर्जी लो हो जाती है और मैस्कुलिन की भी एनर्जी लो हो जाती है, और दोनों में फिर से एक सेपरेशन मुझे दिखाया गया। सडन एक सीन ये है, चेंज हो जाता है, फिर मुझे मैस्कुलिन एनर्जी एक 4 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया है, जिसके हाथों पर बहुत बड़ी चोट लगी थी, और वो फेमिनाइन को, मतलब वो इमेच्योर था लेकिन बहुत ज़्यादा लॉयल था, फेमिनाइन थी वो मेच्योर थी। और उसको बोलता है कि सुनो, मेरे हाथ में ना कुछ लगा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, ये चोट है मेरी, ठीक कर दो, मुझे पट्टी बांध दो। और फेमिनाइन बस उसको पट्टी बांधने बैठ जाती है, और वो जैसे बैठती है वो पट्टी बांधना मतलब उसका ख़त्म ही नहीं होता, इतना छोटा सा उसका हाथ है, और बस वो बांधते रहती है। और पट्टी थी पिंक कलर की, जो पिंक कलर हमें पता है कि हार्ट चक्रा को दिखाता है, मतलब ग्रीन कलर सामने से और पीछे, जब हम हार्ट चक्रा को हील करते हैं तो हम विजुअलाइज़ करते हैं कि पिंक कलर को जो दिखाता है इनर चाइल्ड हीलिंग को, राइट। तो मतलब एक बच्चे को दिखाया मुझे, और उसको बहुत सारी चोटें दिखाई गई, जो फेमिनाइन उसके चोटों पर मरहम लगाई दिखाई गई मुझे, मतलब क्लियर मुझे मैसेज दिया गया कि मैस्कुलिन का जो कर्मा होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा हेवी होता है, और उनका जो कर्मा होता है वो लंबा भी होता है। जैसे हमने अगर अपने आप को अवेकन कर लिया तो टाइम उन्हें भी लगता है, हम अपना पेशेंस नहीं खो सकते, क्योंकि फेमिनिन का क्या होता है कि वो जब काम करती है उसके बाद उसे लगता है कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, वो ये भूल जाती है कि मुझे कितना टाइम लगा। तो पेशेंस को आपको खोना नहीं है, क्योंकि मुझे कलेक्टिव में ये भी एनर्जी आ रही है कि बहुत सारी फेमिनिन फ्रस्ट्रेशन और पेशेंस हो रही है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी को फील कर रही है, चिड़चिड़ाहट हो रहा है, काम कर नहीं रहे चीज़ें, उन्हें ऐसा लग रहा है। तो मुझे बहुत क्लियर दिखाया गया है कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बिल्कुल पेन में है, वो आपके लिए सोच रही है, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करके उनके जख्मों पर मरहम लगाने जैसा काम करना है। क्योंकि हमारे चक्र सेम होते हैं, जितना आप अपने ऊपर काम करोगे उतने ही ज़्यादा आपके मैस्कुलिन जल्दी जल्दी अवेकन होंगे। तो मुझे क्लियरली दिखाया गया, और जो पट्टी थी वो हार्ट चक्रा को दिखाती है, हीलिंग को दिखाती है, क्योंकि इस टाइम उन्हें आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और फेमिनाइन जो है कि वो अपना पेशेंस खो रही है, क्योंकि मैस्कुलिन की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हैं, अपने फेमिनिन को याद कर रहे हैं स्पेशली हीलिंग के लिए, क्योंकि उन्हें सुकून चाहिए। और फेमिनिन का ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और उसके अंदर कोई चेंज है ही नहीं, मतलब पेशेंस खो रही है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, और बहुत सारे डाउट भी हो रहे हैं कि कब चीज़ें आसानी से बढ़ेंगी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कर्मा जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक चीज़ें नहीं होंगी। जिस दिन आपके अंदर के इशू आप कर्मा क्लींस करते रहोगे उसके बाद चीज़ें आसानी से होने लगेंगी, हम ये भूल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे ड्रीम में दिखाया गया है कि वो दोनों चले जाते हैं, फेमिनिन डीएम के घर चले जाती है, और डीएम का जो किचन होता है वो बहुत ही मतलब एक अजीब सी जगह, जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी
क्लियरली दिख रही थी और उनके घर में एक टीचर था जो बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो उसने पूछा कि ये तुम्हारे फादर है, तो वो बोला नहीं ये मेरे फादर नहीं है, ये मेरे टीचर है जो पढ़ाते हैं। और उसके बाद वो बच्चा सोफे पे बैठ गया और उसका हाथ पकड़ा फेमिनिन का और उसको बोला कि पता है तुम्हें, मतलब बचपन में कभी भी पापा ने मेरे सर पे प्यार से हाथ नहीं घुमाया, ना पापा ने मुझे कभी पूछा है, हमेशा उनकी गलती मुझ पर थोपी है, हमेशा मुझे ही गलत ठहरा है, कभी मेरी बात उन्होंने सुनी नहीं है, कभी मुझे समझा ही नहीं है, मेरे इमोशन को कभी उन्होंने समझा ही नहीं है। मतलब मुझे क्लियरली दिखाया गया है कि मैस्कुलाइन का हार्ट चक्रा जो है वो हील हो रहा है, उनका इनर चाइल्ड जो है वो हील हो रहा है, राइट। इसकी वजह से इसीलिए कि बहुत सारे जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो साइलेंट में भी हो सकते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, आपसे वो अपनी बातें भी शेयर करेंगे। तो आपको उन्हें जो है ना कि ब्लेम नहीं करना है, कर्ज नहीं करना है कि अभी भी ये अपने ही अपना ही दुखड़ा बता रहा है, इसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये एनर्जी आ रही है कि जो मैस्कुलाइन है उनके ऊपर तो काम हो रहा है लेकिन फेमिनाइन का पेशेंस छूट रहा है, फेमिनाइन को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, फेमिनाइन समझ नहीं रही है, फेमिनाइन काम तो कर रही है लेकिन उससे रिजल्ट चाहिए। एक डिवाइन टाइमिंग होता है पता है ना जर्नी में, तो आपको ट्रस्ट करना है। ये आपको सिखाता है कि आपका विश्वास कितना है, क्योंकि आपके डीएम पर बहुत अच्छे से काम हो रहा है, उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, उनका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। ऐसे बहुत से डीएम मैंने देखे हैं जो उनके पिता से उनकी बनती नहीं है और बचपन से फिर उनके हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, तो अभी वही काम डिवाइन की तरफ से अच्छे से हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है क्योंकि उन्हें हीलिंग चाहिए और हीलिंग उन्हें पता है कि उन्हें आपसे ही मिलती है, आपसे उनका सुकून है, आपसे ही उनका चैन है, उन्हें पता है। क्योंकि मैस्कुलाइन सारी दुनिया घूम जाए लेकिन जब तक वो फेमिनाइन को नहीं देखे, उन्हें तो देखने भर से ही हीलिंग मिल जाती है ना। तो इस वक्त अगर आपके डीएम का कॉल आता है तो प्लीज़ आप किसी भी तरह का कोई ब्लेम ना करें, कर्ज ना करें या फिर बहुत सारी कंडीशन ना लगाए, कमिटमेंट के लिए पीछे ना भागे, पेशेंस ना खोए क्योंकि काम बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर आपके डीएम साइलेंट में है तो समझ जाना कि बंदा बहुत ज़्यादा पेन में है और अपने ही अंदर वो एनालाइज कर रहा है कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये था ड्रीम और मैंने ये भी बता दिया कि मतलब इसका मीनिंग क्या है। तो मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही थी और मैं इसीलिए मैस्कुलाइन की एनर्जी चेक करूँगी। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है, किसी के साथ भी होता है, तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। ये मुझे कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा आ रही है एनर्जी फेमिनाइन की तरफ से कि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रही है, अपने ही यूनियन को वो एंजॉय नहीं कर पा रही है। मतलब यूनियन तो हो रहा है, मैस्कुलाइन मिलने तो आ रहे हैं लेकिन इनका जो है कि इन्हें मतलब फेमिनाइन का होता है ना कि एक ही झटके में पूरा मतलब खोल के रख दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपका यूनियन भी हो रहा है और फिर इसी वजह से क्या होता है कि वो आते हैं ट्रिगर करके चल जाते हैं। तो आपको चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, आपको देखना आना चाहिए, ना कि कई बार इस चक्कर में ऐसे भी हो जाता है कि हम अपना यूनियन ही एंजॉय नहीं कर पाते, हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ जो हो रहा है वो मेरा यूनियन ही है, चाहे मिनी हो या परमानेंट हो या जो भी हो। मेरे लिए इतना ही है कि मैस्कुलाइन की तरफ से कम्युनिकेशन भी आता है तो मेरे लिए वही वो यूनियन की तरह मैंने हमेशा लिया है। मैं हमेशा ग्रेटफुल रही हूँ, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रही हूँ कि चलो मैं इतनी लकी तो हूँ कि मेरा बात तो करना हो रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि वो शक्ल देखना क्या आवाज़ भी सुनना उनके नसीब में नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आज का चैनल मैसेज, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। किसी के साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ बता देना और डीएम का रीडिंग का वीडियो में डाल दूंगी। अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू।